जरिए मैं आपको बता रहा हूँ महावीर नगर कॉलोनी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं इस प्रकार से किस प्रकार से सारे गेट खुल चुके हैं और कथरिया नदी कितनी पूर आ चुकी है। और आप पूरी कॉलोनी में पानी बढ़ता जा रहा है, घर नदी नाले सब पूर आ चुके हैं, पानी का स्तर लोगों के घरों में भर आ रहा है। आप देख सकते हैं हम इस समय खड़े हुए उद्योग नगरी मंडलदीप में, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, कहीं ना कहीं जनता को शासन प्रशासन का खामियाजा भुगतना पड़ता है। ये सेठ फूलचंद नगर कॉलोनी है, ये पूरी तरह अंदर से पानी भरा गया था 72। जब बात करें 72 तो 72 में ये पूरा कलिया सोच का पानी, जब यहाँ होटल शिव विलास तक लगता था, आज ये हालात है कि शासन प्रशासन ने अपनी मर्जी से जिन कॉलोनी की परमिशन यहाँ दे रखी मंडलदीप में, उसी का खामियाजा आम जनता भुगतती है। जब लालच में आकर कुछ लोग कम रेटों में यहाँ प्लाट ले लेते हैं और मकान बना लेते हैं, और बाद में जब पता ये चलता है कि शासन प्रशासन ने आग बंद करके राजनीतिक संरक्षण में ये परमिशन दी हुई है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये नज़ारा जो दिख रहा है, ये सेठ फूलचंद नगर का किस प्रकार लोग परेशान हो रहे हैं। और यहाँ जो पानी का जो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, अभी इतना पानी है और छोटे छोटे बच्चे और कई फैमिलियाँ यहाँ अंदर है, यहाँ से किसी भी कंडीशन में कोई नहीं जा सकता। वहीं दूसरी तरफ शासन प्रशासन का कोई भी आदमी अभी तक यहाँ नहीं आया है। 2-4-8 दिन पूर्व भी जब जिस प्रकार पानी भराया था, कोई जिम्मेदारी अधिकारी SDM कलेक्टर या अन्य अधिकारी भी यहाँ नहीं पहुँचा था। आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये लगातार ये पूरा सेठ फूलचंद नगर है, चारों तरफ भरा हुआ। भैया क्या नाम है आपका? हमारा दीपक विचारी है, हमारी माँ एडमिट है हॉस्पिटल में। आप आइए, हमें घर पर जाना है। आपका घर कहाँ है? इधर मंदिर से लगा हुआ है ये पानी। आप ये प्लाट जब खरीदे थे शासन प्रशासन की परमिशन, कितना कितना पानी यहाँ की देगी? यहाँ पे कमर्शियल पर पानी जा रहा, गाड़ी ये खड़ी है हमारी। आपकी गाड़ी नहीं निकल पा रही है, लोग पैदल नहीं निकल पा रहे। आप कहाँ रहते हैं भाई? हम तो यहीं पर रहते हैं सर, ये फूलचंद नगर में ही। हमने 2011 में यहाँ पे प्लाट लिया हुआ था, उस टाइम तो यहाँ पे सेठ ने कुछ नहीं बताया, बट अभी हालात 12 सालों के बाद आज ऐसे पहली बार हमने देखा है। तो आपको उस टाइम जब आपने प्लाट लिया था, आपको बताया नहीं था कि ये कॉलोनी काफी पहले डूब क्षेत्र में रह चुकी है सर? ऐसा ये एरिया पूरा 72 में डूब क्षेत्र में था, ये ऐसा कुछ भी नहीं पानी यहाँ तक टच होता था, ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया था ना, तो हमको जानकारी में सर वो घर में पानी भर गया तो पानी निकालने के लिए गए। आप क्या क्या व्यवस्था, आप कहाँ रहते हैं? सर यहीं रहते हैं, वो फर्स्ट मकान है अपना। हाँ तो सर घर में पानी भर गया है तो पानी निकालने के लिए भैया कपड़े उतार के गए हैं। तो आपने भी शासन प्रशासन SDM कलेक्टर का फोन नहीं लाया किसी को? नहीं सर, किसी को नहीं लगाया। और कितने परिवार रहते होंगे यहाँ? काफ़ी लोग हैं सर, यहाँ तो पूरी कॉलोनी, पूरी कॉलोनी है ना सर, अब बचे हुए हैं, पूरी कॉलोनी भरी हुई है सर। एक व्यक्ति परेशान नहीं होगा, करीब काफ़ी व्यक्ति परेशान होंगे। आप देख रहे हैं ये पूरी कॉलोनी पूरी तरह भीग चुकी है, इसके प्लाट पूरी तरह मल्टी स्टोरी बनी हुई है यहाँ, और भारी संख्या में लोग रहते हैं। इसका आज तक कोई निकास यहाँ की नगर पालिका परिषद या शासन प्रशासन द्वारा नहीं किया गया था, ये उसी का परिणाम है। जब कोई नाला यहाँ से आता है, जो नाला इस साइड आप देखेंगे आगे से ट्रांसफ़र हो जाता है, अगर ये नाले की सुनिश्चित व्यवस्था की जाती तो शायद आज लोगों को ये परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। Thank you.